हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। उसका सिंपल सा रीज़न ये था, मेरे जो मदर हैं उनका नी जो है वो क्रैक हो गया था, तो उसकी सर्जरी के लिए मेरे को इमरजेंसी में हम सबको निकलना पड़ा अमृतसर के लिए। पिछले पास्ट 4 ईयर से मम्मा की जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही है। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं जम्मू से अपना जो काम वगैरह सब शिफ्ट पुंछ में किया। बात शुरू होती है मेरी शादी से। शादी से पहले अबाउट 4 to 5 months पहले हमारा एक्सीडेंट होता है। उस टाइम मैं और पापा फ्रंट सीट में बैठे हुए थे, मम्मा बैक सीट में बैठे हुए थे। हमें इतनी सी खरोच नहीं आती, बट मम्मा की ये बाजू इस जगह से 4 जगह से टूट जाती है। एंड अगेन फिर हमें दोबारा पूछ आते आ रहे थे, उस टाइम होता है ये। फिर हम दोबारा जाते हैं अमृतसर, उधर उनकी सर्जरी होती है और मतलब अबाउट 6 months लगते हैं उनको इस सर्जरी से रिकवर होने के लिए। उनकी जो बाजू है वो बिल्कुल स्ट्रक हो जाती है, इधर इधर से ऊपर नहीं जाती। तो काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिजियोथेरेपी की हेल्प लेके उनकी जो ये बाजू है उसमें मूवमेंट आती है। फिर देन अगेन नेक्स्ट ईयर रसोई में ही वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ये बाजू जो है यहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जब प्लस्तर हुआ तो ये जो हड्डी है ना, ये ली, ये गल जगह जुड़ गई है। तो अब ये इसका कुछ हो नहीं सकता, तो जो है उसको एज इट इज रखेंगे। अब जो इस साल क्या हुआ, 2nd February को कि सुबह उठे वो उनको एक्चुअली अथरू होता रहता है, तो उस अथरू की वजह से वो थोड़ा अनकंट्रोल हो गए और मतलब ऐसे फ्रंट में गिर गए, और जिसकी वजह से उनका ये जो नी है ये क्रैक हो गया। फिर दोबारा से हमें जाना पड़ रहा था अमृतसर। तो क्योंकि हड्डियों के मामले में बंदा रिस्क नहीं लेता, बंदा सोचता है कि जो बेस्ट जगह है, सूटेबल जगह है, उधर से ही इलाज कराया जाए। तो फॉर आवर फैमिली जितने भी अभी तक मम्मा के साथ इंसिडेंट हुए, एक तो उनको शुगर है, थायराइड है, तो इतनी सारी बीमारी हैं, तो उससे कोप आउट मतलब उस सिचुएशन में हम रिस्क नहीं ले सकते। जब उनके इस बाजू का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम भी 4 days हम खाली हॉस्पिटलाइज थे कि जो भी शुगर लेवल वगैरह है, थायराइड लेवल है, उसको लेवल में किया जाए पहले, देन उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो इस बार ऑपरेशन होता है पटेला का, तो उसमें ये जो ब्रोन है ना, ये जैसे ये फ्रंट कवरिंग है वो ऐसे टूट जाती है, तो उसको फिर दोबारा से ठीक किया। तो मम्मा इज फाइन नाउ। लो पहले ब्लॉग देख लेते हैं, देन आपको आगे बात बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, अभी हमें निकलना पड़ रहा है अमृतसर के लिए, तो एक्चुअली मम्मा की जो है ना बोन्स काफ़ी वीक हैं, कहीं थोड़ा सा भी लगता है तो उनकी जो बोन्स है ना वो टूट सकती हैं। तो शुगर है उनको, जिसकी वजह से उनकी जो जो बोन्स हैं वो काफ़ी हद से ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। कल जाना था, कल क्योंकि काफी ज्यादा स्नो हो रही थी इसलिए हम जा नहीं पाए, तो आज जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ी ले जा रहे हैं हम। तू अपना बैग लगाएगा तो स्कूल जाएगा, लगा बैग, ठीक है। तो अब हम बर्फीले जो रास्ता है उधर पहुंच चुके हैं, इधर से ही हमें जाना पड़ेगा। देखो आगे सुनकोट वाले एरिया में कितनी बर्फ पड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्नो, जो हमारे पुंछ जिला की जो सबसे पहली जो बर्फ पड़ी है वो कल 1st February को पड़ी है। और देखो पूरी पीर पंजाब रेंज है ना, सारी सारी स्नो से कवर हो चुकी है।
और ये नीचे जो है ये पूरा सुरनकोट एरिया। सर्दियों में ना सुबह सुबह के टाइम जो है ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, खासकर माउंटेन एरिया में। सुबह सुबह क्या होता है, कोहरा जमा होता है सड़क पे, तो वही मेन रीज़न होता है इस तरीके के एक्सीडेंट का। ये देखो ये लोग सारे कोहरा जो है ना आगे पीछे जो सड़क में वो सुसाइड कर रहे हैं। फ्रेश फ्रेश स्नो। ये आइस है कि स्नो है? पुलिया है चंडीगढ़। अमन क्या है बताओ ना। ये स्नो है। पक्का? पक्का। What is the difference between ice and snow? मैं बताऊंगा। बताओ। स्नो ऊपर से पड़ती है, आइस हम जमाते हैं। Wow, Aman, you are so artificial. बस इतने बता दो। Aman, you are so intelligent. Proud of you, Aman. तो अब हम निकलने लगे हैं अमृतसर के लिए। रिंकू को निकाल। तो मम्मा में बैठ चुके हैं रवनी बैठते हुए। तो मौसम आज बारिश हो गई है इधर, इसकी वजह से हम थोड़ा जल्दी निकलें ताकि आराम से अच्छे से पहुंच जाएं अमृतसर। अभी हम रुके हैं लखनपुर। लखनपुर के सबको पता है मशहूर क्या बोलते हैं, राम लड्डू, बुलबुले अपने लोकल। हाँ राम लड्डू भी तो बोलते हैं, बुलबुले बुलबुले। तो वो खाने के लिए जा रहे हैं, पापा मम्मा चाय पी रहे हैं। हमने सोचा कि हम इधर से ये गुलगुले खा कर आ जाए। तो ये भैया बना रहे हैं हमारे लिए गुलगुले, डिफरेंट टाइप्स के मिक्स, हमने बोला है मिक्स गुलगुले। ये जो नए ताज़े ताज़े आए ये आगे बीच में। खुशी दस हॉस्पिटल के बाहर रह खड़े होके ये दोनों ये कर रही हैं। जो भाभी ने दिया मुझे। हाँ अच्छा, इसको मैं किताब में संभाल के रखूंगी। ये नहीं आना किताब में। भाभी आपने बोला था ना किताब में।
तो मेरी बोटी की खानी पीनी है कुछ तो निवांकुर जी आए थे हमारे मामा का पता करने, तो अब ये जा रहे हैं, इनको हम छोड़ने जा रहे हैं इनके कॉलेज विद बीबी निवांकुर जट्टी। अच्छा और क्या करती है मैडम? हमारे अंदर हेल्थ सेंटर है, टेस्ट वगैरह सब कुछ अंदर, ये यहां से अंदर जाता है। आपको उठाते रहे जी हॉस्पिटल ले आते हैं, खाते रहे जी। वो भी एक बोली दे देते, वो तो ये सामने है रवलिंग का कॉलेज और रवलिंग की यहाँ बेचारी है यादा क्या बोलते हैं, यादा ताजे हो रही है रवलिंग की, एक्सपीरियंस शेयर करिए रिजवान कौर से है। अभी ये बताएगी डबल डक्कर बर्गर खाती रही यहाँ से, वो सामने रही दुकान। अभी इसके महाराजा की जगह है यार, हम मोस्टली इन दुकानों पे जाते होते थे कि यहाँ पे वो है मतलब सरदार की शॉप है ना, तो हम यहाँ से KFC वगैरह खा सकते हैं, मतलब नॉनवेज खाने में कोई डर वाली बात नहीं है। सुन लो लोगों, लेकिन उनमें से हमें ये भी पता था कि पंजाबियों को फर्क नहीं पड़ता हलाल है क्या है चिटका है। तो अभी हम आए हैं निर्वाण को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने, सामने आ गई है यूनिवर्सिटी GNDU। तो ये अभी इधर पूछेंगे, बाय निर्वाण, बाय, तुमसे मिलके अच्छा याद लगा, याद मत करना मुझे, मेरी याद में रोना मत, ना बाय भाभी। मेरे और पापा की अचानक से नजर पड़ती है स्कूटी पे, इसमें लॉक जो है वो टायर पे लगा हुआ है। हम पूरा घूम के जाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे फिट किया हुआ है, तो देखते हैं कि आयरन से एक फ्रेम बनाया उसके बीच में इसको फिट किया हुआ है ताकि स्कूटी चोरी ना हो सके। इंडिया में जुगाड़ की कोई कमी नहीं। ये वो टाइम था जब मम्मा को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। रवलिन की रिक्वेस्ट से मैं इस बेड पे आके लेटा, बोलती आपने जो स्वेटर डाली है उसका चेक और जो ये बेड में बेडशीट है उसका चेक बिल्कुल सेम है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इसे एक हफ्ते की जर्नी में ये जो पॉइंट अप आने वाला है ना, ये मेरा बेस्ट पॉइंट होने वाला है। जब मम्मा का ऑपरेशन हो गया था तो वो रिकवरी वार्ड में थे, जिधर एक ही जो बंदा है ना फैमिली मेम्बर उसको लोड करते हैं। तो मैं जाता हूँ अंदर, मम्मा को अभी एनेस्थीशिया लगा हुआ था, थोड़ा होश आया हुआ था, तो मम्मा ने एक ही मेरे को देखा, उन्होंने बाजू ऐसे करी और मेरे गर्दनों का ऐसे पास लेकर आए अपने और मेरे को फोरहेड पे किस किया। एंड दैट वाज अ वेरी 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 क्यूट मोमेंट कि मम्मा उस सिचुएशन में भी होके वो मेरे को किस कर रहे हैं, मतलब इतना प्यारा मोमेंट था ना वो। आई मतलब वो एक मोमेंट होता है ना जो बंदा सोचता है कि लाइफ में वो वाला मोमेंट मैं दोबारा जीना चाहता हूँ, वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का। आओ जी, आया कोई फील आया तंग नहीं, ग्लूकोज भी खत्म हो गया। ऑपरेशन के बाद मम्मा काफी ज्यादा पेन में थे, तो मेरे से वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं उनको किसी एक तरीके से या दूसरे तरीके से हंसाने लगा था ताकि जो पेन है उससे वो डाइवर्ट हो सके। तू बात करो, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, बात कर। दीदी
मैंने बैठ के हाथ करा बैठ से हाथ ऐसा करेंगे ऐसे कर इन भैया को जूस पिलाएंगे, नमक डालना है भैया, और वो भैया पी रहे हैं मुझे इमरजेंसी में जम्मू आना पड़ा, तो मैं मम्मा से पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा था कि आई नो कि ये सिचुएशन ऐसी है कि मुझे आपके पास रहना चाहिए, बट काम ही कुछ इस प्रकार का है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो मम्मा ने बात समझी, तो फिर मैं और अवलिन निकल गए जम्मू के लिए। मेरे को तो रवलिन को जम्मू आना पड़ा, मेरे को कोई इमरजेंसी में काम पड़ गया था, तो उस चक्कर में तो मम्मा उनसे निकल के मिलके हम निकले। तो अभी हम रुके हैं बाट साहिब, ये गुरुद्वारा साहिब है यहाँ सामने, तो आपको दिखाते हैं। सिर का क्यों उतर यार, ये पूरा गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा साहिब का एरिया, इधर पीछे लंगर हाल है, तो इधर के ऊपर गुरुद्वारा साहिब है। ये गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री है, तो पॉज करके जिसने पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। ये हमारी पीटी टीचर जा रही है, पीटी टीचर आप पीछे मुड़े, ये देखो जितने भी पीटी टीचर है ना लड़कियां, वो सलवार सूट के नीचे बैलेंसियागा का शूज डालती हैं, पीटी टीचर मैच कॉम्बिनेशन। बैलेंसियागा, मेरी बीवी कोई ज़्यादा समझदार नहीं होगी, मैं इधर आया था नीचे कुछ देखने, और ये मैम ऊपर से गाड़ी लेकर आ गए नीचे। वाह, मेरे साथ रह रहा के ना ये भी थोड़ी थोड़ी बहुत ही समझदार होगी। रोक गाड़ी, मैं बोलती आ चलती गाड़ी में थोड़ी बैठूंगा, अनी आ उधर नहीं, वो यार इन पंजाब बेबी, ना 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 तू आ ना ना आ गाड़ी आ, राजे राजे खान देव प्रोफेसर ये रे जुठी करके प्यार बढ़ेगा, मुझे नहीं पीनी। अभी हम जस्ट अमृतसर से पहुंचे, तो ये लड़की बिट रही कि मेरे को एसटी दे एसटी दे एसटी दे, और पूंछ आके मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं स्कूटी लेके जस्ट अब बाहर निकलता हूँ, तो इसका जितना भी तेल है ना वो सारा गिरना स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में, तो सारे का सारा तेल इससे लीक हो जाता है। वो बोलते हैं कि ठंड ज़्यादा है जिसकी वजह से जो पाइप है वो हार्ड हो गई थी, तो आपने जैसे स्टार्ट करी तो वो
फ्लो हुआ जिसकी वजह से ये जो पाइप है वो ब्रेक हो गई। Hold up.